जी दोस्तों, तो आपने जो वीडियो पहले देखी, कंप्लेन देखा कि इसकी फ्लेम कैसी है, तो अब हमने इसके ऊपर से पत्थर, कोयले, बास्केट हटा दिए। ये है शान तंदूरी, और आप दोस्तों के रिक्वेस्ट के ऊपर शान तंदूरी का ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं बर्नर को, तो ये है बर्नर की कंडीशन, और ये भी सारा ब्लॉक है जो पहले वीडियो में आपने देखा था, पिछली तंदूर की वीडियो में, कि ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ये तो हवा का रास्ता है, अगर इसको ब्लॉक करेंगे तो फ्लेम के ऊपर फर्क आएगा। तो चलो, अभी ये ब्लॉक है और हम पहले फ्लेम चेक करते हैं कि इसका फ्लेम आपको दिखा दूं कि फ्लेम कैसा है और सर्विस के बाद कैसा है। फिर इसके बाद इस ग्रिल का नंबर है, इसको भी देखेंगे, और फिर उसके बाद है कुकर, वहाँ पे कुकर पड़ा है, उसका नंबर है। तो चले पहले तंदूर को देखते हैं। ये है इसका पायलट, देखे पायलट, ये किस टाइप का पायलट लगा हुआ है, कोई जुगाड़ी टाइप पायलट लगा हुआ है। और पायलट का फ्लेम देखो, और बंद हो जाता है। पाइप इसका टूटा हुआ है। ये हमने इसका कवर खोल दिया, और आप देख रहे हैं इसके अंदर ब्लॉकेज, अंदर से सारा बंद है, और ये बंद नहीं होना चाहिए, ये खुला होना चाहिए। ये सब कुछ इसका जला हुआ है, ये पाइप पीस का टूटा हुआ है। ये देखे आप, ये तो यहाँ पर कोई पायलट नहीं है, और ये इसका थर्मोकपलिंग, ये भी जला हुआ है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इस पायलट में से, इसमें से भी आग जाती है, ये पाइपलाइन में से डायरेक्ट जा रही है आग। तो भी इसको पहले तो हम बर्नर खोलते हैं ताकि हम इसका जो आग है वो ठीक कर सकें, बर्नर की फ्लेम ठीक कर सकें। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखाने के लिए ये इसके अंदर वापस लगाता हूँ और इधर रख देता हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ कि आग कैसी है। ये है बर्नर, आप फ्लेम देख रहे हैं इसकी फ्लेम कैसी है, और ये बंद भी हो जाता है। तो अभी बर्नर भी ठीक करते हैं, और पायलट, इसको थर्मोकपल भी नया डालना पड़ेगा। ये हमने कनेक्शन खोल दिया इसका, देखें कितनी ब्लॉकेज, कितना गंद है इसमें, इसको भी साफ करना है सही तरीके से। इसका जो जेट है, ये देखे इसके अंदर कितना ब्लैक कार्बन आया हुआ है, इसको भी साफ़ करना है, इसका अंदर से भी साफ़ करना है। देखे आप, सारा काला हो गया। इसको फ्लोर से उठा के इस तरह निकाल लेंगे। ये देखे आप, इसकी कितनी मिट्टी और डस्ट निकल रही है, और ये देखे बर्नर की हालत, तो ये बिल्कुल फटा हुआ है ये बर्नर, तो इनको चेंज करना है। तो ये तो होगा चेंज, डेफिनेटली ये ख़त्म है। ये देखें, ये टूटा हुआ पीस इसका पड़ा हुआ है नीचे जला हुआ। हमने ये थर्मोकपल उठा लिया, एक ही मिला है जो इसको कनेक्ट हो सकता है, और ये है यूनिवर्सल टाइप। तो इसको हम फ़िलहाल
आरजी तौर पर लगा देते हैं, क्योंकि अभी और कोई चारा है नहीं, और इसके लिए फिर नया बर्नर विद कंप्लीट किट, इग्नाइटर स्विच, पायलट लाइट विद थर्मोकपल, ये सारी चीज़ें फिर हम पूरा एक किट की शक्ल में यहाँ लगा देंगे, जिसके लिए मैं फिर दूसरी वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा। फ़िलहाल हमने थोड़ी सफाई की है और नया थर्मोकपल लगा देते हैं ताकि उनको परेशानी नहीं हो जब तक ये बर्नर चेंज नहीं हुआ, तो थर्मोकपल कोई मसला ना करे, आग बंद ना हो, इसलिए हम थर्मोकपल चेंज कर देते हैं। ये थर्मोकपल, ये जो इसके अंदर से टूटा हुआ निकला है थर्मोकपल, जला हुआ, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। और ये देखते हैं आप कि इसका मेटल लगा हुआ है और इसका जल गया है, इसका जल गया है और ये नया है, तो ये हम लगा देते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो जब तक नया बर्नर और नया किट ना आ जाए। तो इसको बेसिकली करना क्या है कि इसके अंदर से इसकी इसका नट देख के और इसको लगा देना है ताकि ये वहाँ यहाँ पर कनेक्ट हो जाए इस जगह में। तो हमने ये जो कट लगा हुआ है नट को, आप देख रहे हैं इसको मिडल में कट लगा हुआ है, तो हम ये यहाँ पे लगा देंगे। ये यहाँ पे इसकी थ्रेड्स सही आती है, इसको यूँ ये कट यहाँ से डाल के यहाँ हम ले आएंगे और इसको यहाँ पर हम ऊपर की जानिब पुश रख कर इसको नट को बुश को टाइट कर देंगे ताकि ये अपनी जगह लग जाए। मुझे थोड़ी देर के लिए कैमरा रोकना पड़ेगा, दोनों हाथों की ज़रूरत है, तो मैं भी दोनों हाथ यूज़ करता हूँ मैं, ताकि पुश रख के और दूसरे हाथ से टाइट कर सकूँ। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने थर्मोकपल लगा दिया, टाइट हो गया, और सिर्फ चेक करने के लिए कि कहीं पायलट लाइट लूज तो नहीं है, थोड़ा सा हम चेक करते हैं। नहीं, बस ठीक है, ये भी टाइट है, सब टाइट है। अभी इसको जब हम ऑन करेंगे तो पहले हम इसकी लीक चेक करेंगे, और लीक चेक करने से पहले हम यहाँ से सफाई कर लेते हैं ताकि जो ड्रिपिंग होगी लीकेज की तो यहाँ फ्लोर पे गंद ना करे। बर्नर वापस लगा दिया, हल्की फुल्की सफाई भी हो गई, ज़्यादा नहीं की इसलिए कि यहाँ बर्नर के नीचे से, अगर आपको पता है तो ये वाली एक लेग टूटी हुई है, जिसकी वजह से फिर इसके ऊपर बास्केट नहीं रख सकेंगे हम, तो इसके नीचे से फुल सफाई तो नहीं की, सिर्फ ये किया कि ये नया थर्मोकपल हमने लगा दिया इधर बर्नर के करीब, और ये साथ में टूटा हुआ पाइप जो है ये आपको अगर नज़र आता है तो ये बहुत काला हो चुका है, तो ये है टूटा हुआ पायलट लाइट का टूटा हुआ पाइप है, तो इसको मैं बर्नर की तरफ रख के और इसको फिर, क्योंकि ये तो जलेगा भी, तो इसलिए इसका थोड़ा सेटअप हम करते हैं ताकि थर्मोकपल को टच नहीं करे इसकी जो आग है, और बाकी जब तक बर्नर रिप्लेस नहीं हुआ, पूरा किट नया नहीं डला, तो तब तक ये काम करता रहे और इनको कोई मसला ना आए। हमने पायलट लाइट ऑन कर दी और अभी हम कंप्लीट बर्नर ऑन करते हैं। तो ये देखिए, अभी आप थर्मोकपल को फ्लेम टच कर रहा है, तो ये ऑन रहेगा, स्टे ऑन रहेगा, और अगर ये टच नहीं करेगा तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है ये चलता रहेगा। अभी हम इसके ऊपर ये बास्केट भी रख देंगे ये वाली,
तो वो फिर टच करेगा इसको। ये है थर्मोकपल, अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो ये फ्लेम अभी टच कर रहा है। जब तक ये टच करेगा तो ये गर्म रहेगा, तंदूर ऑन रहेगा, बंद नहीं होगा। तो ये हमने इसलिए थर्मोकपल डाला ताकि इनको मसला नहीं हो। लेकिन आप देख रहे हैं जहाँ से बर्नर टूटा हुआ है, फटा हुआ है, जल गया, वहाँ से ये देखो येलो फ्लेम कैसी आ रही है। तो मेरा भी फ़ोन गर्म हो रहा है, कैमरा ऑफ हो जाएगा, यही आपको दिखाना था। मैं इसको थोड़ा स्लो करता हूँ। तो स्लो करने के साथ अभी ये लग रहा है कि थर्मोकपल इतना टच नहीं कर रहा है, तो मैं इस थर्मोकपल को मूव करके थोड़ा आगे ले जाता हूँ जहाँ पे फ्लेम अभी चल रहा है। मैं किसी चीज़ से इसको नीचे ले जाता हूँ ताकि ये गर्म है तो मुझे कोई मसला ना हो। हमने बास्केट ऊपर रख दी और अभी हम पायलट लाइट की जगह पे उसको आग लगाएंगे। इधर से बटन को पुश करके और ट्विस्ट करके और फिर हम वहाँ पे लाइटर से आग लगाएंगे। आप देख रहे हैं इसमें आग जल रही है, नीचे से आपको नज़र आ रहा है फ्लैशिंग हो रहा है। नीचे मैंने पायलट लाइट को ऑन किया हुआ है और यहाँ से मैंने इसको प्रेस करके, ट्विस्ट करके और प्रेस करके होल्ड किया हुआ है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अभी इसको मैं रिलीज़ करके थोड़ा और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये बर्नर ऑन हो गया। तो ये अभी जो पहले आप फ्लेम देख रहे थे और अब मैं, थोड़ा फ़र्क है, फ्लेम थोड़ा बढ़ गया, साफ हो गया, लेकिन जो फटा हुआ है वहाँ से देखो आप तो बहुत डिफरेंस है। ये स्क्रीन के नीचे वाली साइड की जो फ्लेम है, तो ये अभी देखो इसके कलर में कितना फ़र्क है। यहाँ से बर्नर फटा है और यहाँ पीछे से जो फटा बर्नर है तो यहाँ प्रेशर नहीं बनता है इस कॉर्नर में जहाँ पे आग नहीं जल रही है। अगर यहाँ से ये फटता नहीं तो इस जगह में भी आग जल रही होती। ठीक है, आप समझ गए हैं बात को, इक्वल नहीं है। तो अभी ये फुल पे है, यहाँ देखे आप यूँ रखेंगे सीधा सीधा तो ये फुल पे है। तो अभी मैं इसकी लीक वगैरह भी चेक करूँगा और इसको इधर ही रहने दूँगा क्योंकि ये अनकम्प्लीट जॉब है। इसका जब बर्नर हम चेंज करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसको कि फ्लेम कैसी है। अभी हम लीक चेक करते हैं, कहीं से कोई लीक होगा नज़र आ जाएगा, बबल बन जाएंगे। ये हम जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स हैं और जो हमने खोले वापस लगाए उनको भी चेक करना है, टेस्ट करना है कि कहीं से कोई लीक तो नहीं है। पायलट लाइट की लाइन और जो मेन गैस है उसकी लाइन, तो इस वक्त कोई भी लीक नहीं है। अगर लीक हो तो बबल बनेंगे, इस वक्त कोई भी बबल नहीं बन रहे। ये बहुत अच्छा लीक डिटेक्टर है, वो बबल बन रहे हैं, वो देखें वो लीक है, इसको कहते हैं लीक। ये देखें, क्योंकि हमने काम किया तो शायद ये पेप हिला है या कुछ पहले से लीक है, लेकिन पता नहीं चलता है। ये चूँकि बहुत ही बारीक लीक है तो इसका इस तरह थोड़ा सा हिलना जुलना या अगर लीक हो तो फील नहीं होता है शेफ़ लोगों को, क्योंकि इतनी एयर होती है और एक्सट्रैक्टर फ़ान चल रहे होते हैं कि उसका स्मेल फील नहीं होता है। लेकिन अभी चूंकि हम काम कर रहे हैं तो इसको हमने खोला ही है, तो अभी इसको हम बंद कर देंगे लीक को। इसको थोड़ा हम टाइट कर देंगे तो ये लीक बंद हो जाएगा। अभी कोई लीक नहीं है
और काफ़ी टाइम से गैस ऑन है, बर्नर जल रहा है, आग जा रही है। जो लीक नज़र आया था वो हमने बंद कर दिया, और ये यहाँ पर कोई भी लीक नहीं है इस वक्त। ये जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर भी कोई लीक्स नहीं है, ये भी सेफ है। और यहाँ पे लीक था तो अभी बबल नहीं बन रहे, ये बंद हो गया। तो अभी ये काम फ़िलहाल सेफ हो गया। अभी इसका कवर वगैरह हम वापस लगाते हैं इसके ऊपर। ये आप देख रहे हैं बर्नर चल रहा है, तंदूर गर्म है, लेकिन आग ठीक नहीं है। अगर ये फटा ना होता तो बैक साइड पे जहाँ पे आग नहीं जल रही है, इधर भी आग जल रही होती, इक्वल हो जाता सारा। तो चले जब इसको हम चेंज करेंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। फिल वक्त के लिए यही आपको दिखाना था, हो सकता है आपके इलम में कुछ इजाफा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।